बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये एक बर्तन में ये डाल दें, ये 2 कप मैदा है और ये आधा चम्मच सोडा है, ये इसमें शामिल कर दें मैदे में। ये 2 प्याली मैदा है और आधा चम्मच नमक है और 2 खाने वाले चम्मच ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको आटे की तरह गूंद लें। और ये देखिए गूंद के ये तैयार हो गया आटे की तरह, तो इसको 20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के रखते हैं, तो तब तक छोले तैयार करते हैं। तो एक पतीली में ये 1 प्याली ऑयल डाल दें और ये 1 प्याज है, ये ऑमलेट कट छोटा छोटा मैंने इसको काट लिया है, तो ये भी इसमें शामिल करके इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया, तो इसमें ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, इसमें शामिल कर दें। आधा चम्मच नमक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और ये आधा चम्मच के करीब चाट मसाला है। और ये आमचूर पाउडर है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, तो इसके इसमें टेस्ट अच्छा आता है। ये 2-3 हरी मिर्चियाँ छोटी छोटी काट के ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, तो इस मसाले को अच्छी तरह फ्राई करें। ये 1 टमाटर है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करें। मसाले को अच्छी तरह भूनें, फ्राई करें हल्का पानी डाल के। ये छोले हैं मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे, तो ये इसमें शामिल कर दें और इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह इसको भूने फ्राई करें ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दें और इसको हल्की आंच पे ढक्कन लगा के छोड़ दें 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखें 2-3 मिनट के बाद ये इस तरह के ये बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब इसको साइड पे रखते हैं और तब पूरी तैयार करते हैं। ये देखें जो आटा हमने गूंद के रखा था, 15-20 मिनट हो गए, तो इसके पेड़े बना रहे हैं छोटे छोटे। ये देखें इस तरह के शेप के मैंने बना लिए हैं, तो अब इसको रोटी की तरह बेलते हैं। ये देखिए इसको रोटी की तरह बेल लें, जितनी भी पतली या मोटी जिस तरह की आप रखना चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो ये ऑयल है गरम, फुल गरम ऑयल है, इसको उसमें डालें वरना ये ख़राब हो जाती है, फुल ऑयल में गरम में। तो ये देखें इस तरह की ये फूल गई है, तैयार हो गई है। ये देखिए सभी इसी तरह की तैयार कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये देखें ये बन के तैयार हो गई है, तो सभी इस तरह की हमने बना ली है, तो बहुत अच्छी और नरम बन के तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह की, तो मेरी वीडियो को ज़रूर, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। तो अब खाएं और मज़े करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।